हेलो सर, आपसे जानना चाहूँगा आई जे सिग्नेचर जो शो हुआ है इस बारे में, 2 साल के बाद हुआ है, सो कैसा एक्सपीरियंस है आपका ओवरऑल शो को लेकर? ओवरऑल शो अच्छा है और इस बार हम लोग ने अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च भी किए हुए हैं और बायर्स भी आए हुए हैं। आज सेकंड डे है तो फुल सुबह से ऐसा लग रहा है कि अच्छा है। क्या स्पेशल इस बार आपने कुछ कलेक्शंस बनाए हैं इस शो को लेके? वैसे हमारे पास 4 से 5 अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, तो इस बार हमने 5वां प्रोजेक्ट एंटिक लेकर हम लॉन्च किए हुए हैं। तो एंटिक के अंदर हमारे पास कुछ डिजाइन है जो आप डिस्प्ले में देख सकते हो, तो ये हमने कल लॉन्च किया हुआ है। ओके। और लाइक एनी ट्रेंड जो आप देख रहे हो कि आने वाले समय में आपको, जैसे आपने बताया एंटिक आपने लॉन्च किया है, तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले कमिंग सीजन्स में क्या ट्रेंड आएगा इस एंटिक को लेके? एंटिक के अंदर भी आजकल इनोवेशन चल रहा है, अलग अलग डिजाइंस आ रही है, अलग अलग कंसेप्ट एनिमल का, कास्टिंग का, स्टोन का। स्टोन के अंदर भी आज बदलाव आया हुआ है, तो छोटे माइक्रो स्टोन का भी उसके अंदर चढ़ाव काम हो रहा है, जड़तर कुंदन मीनाकारी ये सब हो रहा है। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, स्वर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ओके। स्वर ने हमारे साथ मीडिया, हमारा मीडिया पार्टनर बने हुए हैं तो अच्छे से, हाँ, और स्टोन पार्टनर भी बने हुए हैं, तो अभी अच्छे से वो लोग मीडिया का भी अंदर कर रहे हैं हेल्प। ओके, थैंक यू सो मच सर, नाइस टॉक।